तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है मैं फिर से जो हाजिर हूँ आपके एक और क्लास को लेकर, जो क्लास होने वाली है आपकी बेन आरेख। और मैंने आपको पिछली जो आपकी पहली क्लास थी उसमें आपको बताया था कि ये जो आपका बेन आरेख होता है यानी कि आपका बेन डायग्राम, ये दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका लॉजिकल बेन डायग्राम, जिसकी क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका डेटा बेन डायग्राम, यानी कि आपका आंकड़ा बेन डायग्राम, यानी आपके आंकड़े बेन आरेख। तो ये जो हमारी क्लास है वो आपकी दूसरी वाली क्लास है। पहले जो मैंने आपको बताया दिया था कि ये जो आपका फर्स्ट, ये जो आपका पहला जो होता है वो बेन डायग्राम जो होता है आपका कैसा होता है, यानी कि आपका उसमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जो आपसे पूछेगा कि आपके, यानी कि आपका कोई भी जो आपको दे देगा एग्जाम्पल के लिए, यानी कि आपका ये जो आपको दे देगा यानी कि सेब, उसके अलावा आपका केले और आपके फल। तो उसमें जो आपको, यानी कि आपका ये जो आपका पूरा फल का जो आपका डायग्राम हो जाएगा, उसी के अंदर जो आपका सेब हो जाएगा, उसके अंदर ये जो आपके केले हो जाएंगे, यानी ये जो आपके दोनों जो आपके चीज़ हैं वो आप किसी तीसरी का जो भाग है। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते थे वो पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो आपकी दूसरा वाला जो बेन डायग्राम होता है, यानी कि आपका बेन आरेख, वो होता है डेटा बेन आरेख। इसमें आपकी कुछ ज्यामिति या जो आकृति होती है, ज्यामिति की आकृति होंगी वो आपके सामने जो बनी हुई होंगी। इनमें जो आपका, या तो आपका जो आपका त्रिभुज हो सकता है, उसके अलावा या फिर आपका जो कोई भी आपका चतुर्भुज हो सकता है यानी कि स्क्वायर, या फिर आपका कोई सर्कल हो सकता है, आपका जो चौथा जो आपका रेक्टेंगल है यानी कि आपका कोई भी वृत्त आपका आयत हो सकता है, कोई सी भी आकृति जो हो सकती है। इन सभी आकृति को मिलाकर एक फिगर बनती है। उस फिगर में आपसे जो है डिनोट कर देगा कि आपका जो त्रिभुज है वो आपके पुलिस को डिनोट करता है, पुलिस। ये जो आपका स्क्वायर है वो आपके डॉक्टर को जो है डिनोट करता है। सर्कल जो है वो आपका यानी कि शिक्षक है, सर्कल में जो है वो आपके शिक्षक हैं। और आयत है, इसमें जो है कह देगा कि आपके व्यापारी हैं, व्यापारी। तो ऐसे जो आपसे बोल देगा और बड़ी जो इमेज बना देगा, उसमें कुछ आंकड़े जो होते हैं वो आपके लिख देगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से जो है कोई भी आकृति जो बनी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर जो आपका आकृति जो आपके सामने बनाना चाहूँ डायग्राम, जैसे कोई भी आपका एक सर्कल है, उसमें जो आपका इस प्रकार से जो आपका कोई भी आपका त्रिभुज डला हुआ है, ये जो आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से जो है इसमें एक स्क्वायर जो है, ये जो आप देख सकते हैं। और आपसे बोल दिया है कि ये जो आपका स्क्वायर, ये जो आपका त्रिभुज में है जो, वो आपके क्या हैं, वो आपके शिक्षक हैं। और आपके ये जो वृत्त है वो आपका पुलिस को डिनोट कर देता है, यानी कि आपका पुलिस। और ये जो आपका वृत्त आपका वर्ग है स्क्वायर, ये इसमें चलिए मैं बता देते हैं कि आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर यानी कि आपके डॉक्टर। तो अब जो है इसमें आपके नंबर डालेगा, जैसे आपका 5 3 4 यानी कि आपका 4 2 6 5, उसके अलावा 8 7 3 1 और आपके 5, ऐसे जो आपके डाल दिए। इस प्रकार से आपके नंबर जो है इसमें लिखे हुए होंगे। नंबर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यानी बड़ी संख्या भी हो सकती है, छोटी संख्या भी हो सकती हैं। तो अब जो आपसे जैसे पूछा है कि बताइए कि आपके ऐसे कितने जो आपके पुलिस है जो कि आपके शिक्षक हैं लेकिन आपके डॉक्टर नहीं, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा कि ऐसे कितने जो आपके डॉक्टर हैं जो कि आपके पुलिस वाले जो आपके पुलिस जो है नहीं है, तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि आपके पुलिस नहीं है। तो ये जो आपके एरिया है वो किसका है, वो आपका पुलिस का है। अब जो इस टाइप, इस तरफ जो तीन संख्या जो बची हैं, तो 6 2 8 8 5 13, तो ऐसे जो आपके 13 जो है डॉक्टर हैं जो कि आपके पुलिस नहीं हैं। इस प्रकार इसी तरफ का जो है देखें, क्योंकि ये 4 भी जो है आपके सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, कोई भी एक बड़ा क्वेश्चन जो मैं होता है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके अलावा ऑप्शन भी जो आपको दे दूँगा और आपको जो है बताना होगा कि किस प्रकार से जो इसको हल करते हैं। तो जैसा कि ऐसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये जो आपका सर्कल जो है वो आपका शहरी है, उसके अलावा ये जो आपका ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज जो आपको बेरोजगार हैं, और ये जो आपका स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आपका वर्ग है।
तो वर्ग में जो है वो आपके ग्रामीण हैं, ये जो आपके त्रिभुज है में है जो वो आपके बेरोजगार हैं। उसके अलावा ये जो आपका आपका सर्कल है यानी कि वृत्त, ये जो आपका शहरी को दर्शाता है। तो अब जो आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है आपसे, जो पूछ रहा है कि ऐसे कितने जो आपके शहरी हैं जो कि आपके बेरोजगार भी हैं, यानी कि आपके इतने कितने जो आपका, ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका शहरी है, और इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने शहरी हैं जो आपका बेरोजगार भी हैं, यानी शहर के जो आपके बेरोजगार। तो बेरोजगार वाला एरिया जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपका त्रिभुज, तो इसमें से आपका कितने हैं, वो आपके दो अंक हैं यानी कि दो और आपका सात। ये जो आपका ऐसे जो आपका शहरी हैं जो कि शहरी होने के साथ साथ आपके बेरोजगार भी हैं, तो इसमें आपका इसका आंसर जो होगा वो आपका कितना होगा, दो प्लस सात, यानी इसका आंसर जो होगा वो आपका नौ होगा। यानी कि इतने आपके नौ शहरी हैं जो कि आपका शहरी होने के साथ साथ आपका बेरोजगार भी हैं। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये जो ध्यान रखना है कि कौन सा जो वाला एरिया का बोल रहा है और कौन से एरिया वाले का जो आपका मना कर रहा है। यदि यही क्वेश्चन यहाँ पर जो चेंज होकर के आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको चलिए ऐसे कि ऐसे कितने शहरी हैं जो आपके बेरोजगार हैं लेकिन आपके ग्रामीण नहीं, यानी कि ऐसे कितने शहरी हैं जो कि आपके बेरोजगार हैं लेकिन ग्रामीण नहीं हैं, ग्रामीण नहीं हैं। तो यही क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल सेम टू सेम चेंज हो जाता है। चेंज इसलिए हो जाता कि ये जो आपका शहरी हो गया, उसके अलावा ये बेरोजगार है, तो इसमें से जो आपका ग्रामीण का बिल्कुल जो मने कर रहा है, यानी कि ग्रामीण जो उसको नहीं चाहिए, लेकिन ये जो एरिया है वो किसका है, वो तो आपका ग्रामीण का है, तो ये जो सात है वो आपका हट जाएगा। तो फिर आंसर उसका कितना होगा, वो आपका ओनली ये जो आपका दो दिख रहा है यहाँ पर, उसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, वो आपका दो होगा। तो ऐसे जो आपका क्वेश्चन को अच्छे से जो आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से जो आप पढ़ने के बाद ये जो आपको आंसर जो है देना है। चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिख देता हूँ, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं कुछ इस प्रकार से जो है लिख देता हूँ, यानी कि इसमें जो आपको दो सर्कल जो है दिए गए हैं, ये जो आप देख सकते हैं जो दो सर्कल, और इसमें जो आप कोई भी एक स्क्वायर जो आपके सामने ऐसे डाल दिया है। जैसा कि यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यानी कि ये जो आपका सर्कल है इस तरफ वाला वृत्त, वो आपका विवाहित को दर्शाता है। उसके अलावा ये जो आपका स्क्वायर है यानी कि वर्ग, वो दर्शाता है कि आपका ये जो महिला है उनको दर्शा रहा है, और ये जो आपका इस तरफ वाला वृत्त जो है वो दर्शा रहा है कि ये जो डॉक्टर को, ये जो डॉक्टर को। अब इसमें जो आप कितने टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन चलिए मैं यहाँ पर आपको जो बता देता हूँ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। इसमें जो है आपसे कुछ भी जो पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा कि बताइए कि ऐसे कितनी जो महिला हैं, ऐसे कितनी महिला हैं, ऐसी कितनी महिला हैं जो आपका विवाहित हैं, विवाहित हैं लेकिन विवाहित हैं लेकिन आपका डॉक्टर जो है नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ऐसे जो आपको क्वेश्चन जो पूछ लिया गया। अब जो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो क्या पूछ रहा है कि ऐसी कितनी महिला हैं जो कि आपकी विवाहित तो हैं, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं विवाहित, लेकिन आपकी डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर वाला एरिया है इसको हम हटा देंगे, यानी इस तरफ का आपको बिल्कुल जो है नहीं लेना है। उसके अलावा ऐसी कितनी महिला हैं जो कि आपकी विवाहित जो है होनी चाहिए, तो ये जो 25 तो विवाहित नहीं है, तो इसमें आपका ये जो 16 है, 16 जो कि आपका विवाहित वाले एरिया में भी आ रहा है। उसके अलावा आपका यहाँ इस वाली जो महिला वाली कैटेगरी में, यानी महिला वाली डायग्राम में भी जो आपका आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 16 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन को कुछ और तरह से जो है लिख दिया जाता है, जैसे कि ऐसे कितने आपके डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि आपके विवाहित भी हैं, विवाहित हैं, उसके साथ साथ आपका विवाहित होने के साथ साथ आपका महिला भी हैं, महिला भी हैं। तो यही क्वेश्चन जो आपका चेंज होकर कुछ इस प्रकार से जो बन जाएगा, यानी ऐसे कितने जो आपके डॉक्टर हैं, तो जो डॉक्टर वाला ये एरिया हो गया। उसके अलावा आपसे बोल रहा है कि आपका महिला भी होना चाहिए,
और आपका जो विवाहित भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये जो आपका डॉक्टर वाला एरिया है, तो डॉक्टर वाला एरिया इतना है, इसमें जो आपका आठ को आप ले नहीं सकते क्योंकि आठ जो आपका विवाहित नहीं है, तो आपको 24 को ही लेना होगा। 24 को क्यों लेना होगा, क्योंकि ये जो विवाहित वाले एरिया में भी आ रहा है, उसके अलावा ये जो महिला भी है, तो इसका आंसर जो कितना होगा वो आपका 24 होगा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा, वो 24 होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपका, ये जो वेन आरेख वाला डेटा वेन डायग्राम जो होता है, उसमें कुछ ऐसे जो है डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जो कि आपको बताने होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको जो आपको बताना होगा नीचे ऑप्शन के साथ। तो जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जो आपका पूछा गया है, यानी कि आपको अब पहले जो आपकी तीन फिगर आती थी, अब जो आपको चार फिगर दी गई हैं। यानी ये जो आपका त्रिभुज आपका ईमानदार को दर्शा रहा है, आपका वर्ग जो है वो शिक्षक को दर्शा रहा है, और ये जो आपका वृत्त जो है वो आपके गरीब छात्रों यानी गरीब को दर्शा रहा है। उसके अलावा ये जो आयत है, आयत दर्शा रहा है आपके परिश्रमी यानी मेहनती। तो इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने जो आपके ईमानदार हैं जो शिक्षक हैं, यानी कि ऐसे कितने जो है आपके ईमानदार हैं, जो कि आपका ईमानदार होने के साथ साथ आपके शिक्षक भी हैं। तो ऐसे जो आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो ईमानदार वाला एरिया है वो कुछ इस प्रकार से है, ये जो आप देख सकते हैं ईमानदार। तो ऐसे कितने ईमानदार हैं जो कि शिक्षक भी हैं, ये जो आपका शिक्षक, तो आपका वो आपका ईमानदार वाले एरिया में भी आना चाहिए, उसके अलावा आपका शिक्षक वाले एरिया में भी आना चाहिए। तो आपका शिक्षक वाले एरिया में सिर्फ एक ऐसी संख्या जो आपकी 12 ही है, जो कि आपका ईमानदार वाले हिस्सा में भी आ रही है और आपका शिक्षक वाले एरिया में भी आ रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका 12 हो जाएगा। और जो है इस पर इससे रिलेटेड और भी जो है बहुत से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, जो कि अगर आपने एक बार फंडामेंटल जो क्लियर कर लिया, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि आपसे वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन भी जो है वो गलत नहीं हो सकता, यदि आपने एक बार अच्छे से इसको अध्ययन कर लिया। तो इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या जो है कौन सी संख्या का जो है बोल रहा है और कौन सी संख्या का बिल्कुल करेक्ट जो है मना कर रहा है। इस पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो ये बहुत ही जो आपका सिंपल टॉपिक होता है, और सिंपल टॉपिक होने के साथ साथ जब ये आ जाता है तो इसके एक या दो क्वेश्चन आप डेफिनेटली इजीली कर सकते हैं। और ये जो आएगा तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम दो तीन क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, वो आपके दो तीन क्वेश्चन आएंगे, ये जो आपकी जब इस प्रकार का डायग्राम दिया जाएगा। तो आप इसको एक बार दिमाग में जो बिठाकर आप दो से तीन क्वेश्चन को डेफिनेटली अच्छी तरह जो कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो आपका एरिया है वो किसका है, वो परिश्रमी का। उसके अलावा ये जो वृत्त है वो आपका गरीब छात्रों को दर्शा रहा है, आपका ये जो वर्ग है वो आपका शिक्षक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में अपने बिठा लेना है। तो मैं चाहूँगा ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्लास नगर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।